पन्ना पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में एक तरफ बंटाधार का परिवार है और दूसरी तरफ करप्शन नाथ का परिवार है। परिवारवाद तुष्टीकरण के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती, एक ही परिवार है और मध्य प्रदेश के अंदर भी एक ही परिवार है, वो श्रीमान बंटाधार का परिवार और श्रीमान करप्शन नाथ का परिवार। तो परिवारवाद और तुष्टीकरण में कांग्रेस उलझी है, क्या कर लेंगे जीतू पटवारी, क्या धराया उनके पास, वो भी चुनाव हार करके बैठे हैं। इसलिए ये कांग्रेस केवल अपनी कवायदे हैं जो करती है, तो इसलिए कांग्रेस इनसे उभर नहीं सकती। दुनिया के अंदर 22 जनवरी को इतिहास बना, कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। अरे जनता इन्हें बूथ बूथ नहीं, हर जनता के मन से कांग्रेस का बहिष्कार होने वाला है और हो रहा है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इस देश की और दुनिया की, दुनिया में जिसमें बन रहा है। ब्रिटेन के अंदर छुट्टी हुई, लोगों ने जुलूस निकाले, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर, दुनिया के अंदर जब जलसा मना, दुनिया ने भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त की, और ये कांग्रेसी केवल सोनिया गांधी राहुल गांधी के इशारे पर बहिष्कार किए। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने मजाक मजाक में घर का एक राज खोला। एक कार्यक्रम में फाइनेंस पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि बाजार में उनकी साख चाहे जितने की हो, लेकिन घर में उनकी साख 3000 रुपए की है। उनकी पत्नी आज भी उन्हें 3000 रुपए से ज्यादा नहीं देती। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं फाइनेंस मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझती हैं और इसीलिए हमारी वित्त मंत्री महिला ही है। सरकार के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण होती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री महिला के हाथ में, और घरों के अंदर भी महिला के पास ही रहती है, वही घर चलाती है। तो मैं दोस्तों से बोलता हूँ कभी कभी मजाक में कि यार मेरी बाजार में कितनी भी साख हो पर घर के अंदर 3000 रुपये की है, इतनी भी 3000 ज़्यादा देती है नहीं घर। तो और वो भी उससे फिर मैंने 3000 जल्दी ख़त्म कर दिए, तो उनके क्यों तुमने 3000 ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर दी, उनके वो 4-5 मंदिर में गया था तो क्या 5-5 के टूट चढ़ दिए, 50-50 के 5-7 और रखना चालू कर दिए। मैं मैनेजमेंट बता रहा हूँ फाइनेंस का कि महिलाएं किस तरीके से संभालती है, यही कारण है कि फाइनेंस मिनिस्टर महिला है तो भारत की साख। तो मजाक मजाक में कैलाश विजयवर्गीय ये राज खुलते नजर आए। फाइनेंस को लेकर ये पूरा कार्यक्रम था और यही वजह है उन्होंने कहा कि भाई बाजार में चाहे जितनी साख हो, घर में 3000 रुपए ही मिलते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।